क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और निक कमाल की डॉग कॉन्करर उसकी वीडियो के साथ वापस। और हम उतरे थे मतलब यसन आया और वहाँ से थोड़ा होल्ड करने के बाद जोन में रोटेट किए यहाँ पे स्कूल के पास। और यहाँ पे एक गाड़ी आती है जो कि मिस हो जाता है और डीपी में उतना अच्छा चलाता है नहीं, तो उसको मैं एक शॉट भी कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, पूरा हक देता हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ा हम सेफ ही खेल रहे थे और तीन बोट मारने के बाद अब चिकन पे पूरा फोकस था कि चलो भाई चिकन निकाल लेंगे। और लेकिन फिलहाल देखो अब मतलब मैं बताया कि मेरा टीममेट कितना छुट्टा है, मतलब कहीं ज़्यादा प्रो बन रहा है आजकल, मतलब अलग ही लेवल से खेल रहा है, तो वो दोनों को मार देता है। फिलहाल तो यहाँ पर मुझे एक किल भी नहीं मिला। और बस आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना, आपको काफ़ी कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। और ये लोबी उतना खास लगा नहीं था क्योंकि इसमें अधिकतर मतलब क्या ही बताओ, अब पूरी नूब लोबी सी थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े जोन में काफ़ी कम बंदे बचे थे। तो फिलहाल इसमें तो प्लस हमें देखने को उतना मिलता नहीं, तो हम चिकन पे फोकस कर रहे थे। और ये जो टूटी फूटी गाड़ी है उसको लेके हम एक अच्छी गाड़ी के पास आते हैं ताकि कोई और ना मार के उसको फोड़ फाड़ दे और मतलब हमारा खेल यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ से हम पूरा घूम के जाते हैं पीछे के साइड, और जो सामने जो रिच होता है उस पर हम कैम करते हो, क्योंकि अब हमें तो उतना ड्रॉप लूटने का नहीं था और जो भी हम ड्रॉप पे आते बंदे तो हम उनको मारते। फिलहाल हम जैसे यहाँ पे आते और यहाँ पे एक बंदा दिख भी जाता है जो कि ये भी ड्रॉप लूटने के लिए यहाँ पे खड़ा था। जिसको ईची मारो, और ये बंदा भाई सब क्या ही तबाही मचा रखा था पूरे मैप में। इसका किल फीट पेन मतलब ना मारा था, अपग्रेड वाला एकेएम था इसके पास रेड वाला, तो भाई सब इसको मारने के बाद थोड़ा सा राहत मिला कि हाँ चलो भाई अब थोड़ा चिकन डिनर पे हम फोकस कर सकते हैं, मतलब हो जाएगा। और आप अगर गेम खेलते हो रैंक पुश करते हो तो पहले जीतने के मूड पर मत रहा करो, आप कैसे भी ट्राई किया करो कि पहले टॉप 10 में आए। अब टॉप 10 में आने के बाद टॉप 5 की ट्राई किया करो, टॉप 5 के बाद टॉप 2, और उसके बाद जब टॉप 2 में आप आ जाओ तो उसके बाद आप मतलब सोचो कि हाँ भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब एक बंदा है मार दूंगा चाहे एक टीम में उसको मार दूंगा, तो आपको आईजी चिकन डिनर हो सकता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक और गाड़ी आती है जिसको कि मैं मार ही दिया, और देख ही लियो आप लोग भी। अब यहाँ पर क्या सीन था, अब मेरा टीममेट बोलता है कि यहाँ पर और रुकते हैं हम, और जोन भी मतलब यहीं पे बन रहा था तो मैं यहीं पे होल्ड कर रहा था ताकि और भी कोई आए तो इसको मार सकूं। और सामने व्हीकल दिखती है जो कि काफ़ी दूर थी और वहाँ पे शायद से बंदा था। अब मेरा टीममेट बोलता है कि बंदा तो नहीं है, लेकिन अब देखो मतलब वहाँ से एक गाड़ी आने वाली है। और फिलहाल तो मैं यहाँ पे ड्रॉप लूट लेता हूँ क्योंकि ड्रॉप का पॉइंट होता है, तो मैं अपने टीममेट को बोल देता हूँ कवर दियो पीछे से। और मेरे काम लायक तो कुछ ड्रॉप में था नहीं, तो चलो कोई नहीं, एक दो पॉइंट मिल गया। उसके बाद फिर से हम अपने पोजीशन पे वहीं पे आ जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छी जगह थी हमें किल निकालने के लिए। तो अब देखना आसपास तो बंदे उतना पता नहीं चल रहे थे, और सामने ड्रॉप भी गिरा था। अब सामने से मतलब जहाँ पे मैं मार्क किया था जहाँ पे गाड़ी था, तो वहाँ पे से दो बंदे आ रहे होते, तो उसको मेरा टीममेट AWM से ठिला देता है। तो उसके बाद मेरे टीममेट को दिखता है मतलब पीछे के साइड जो बानो जैसा घर है वहाँ पर बंदा, तो वो बुलाता है। लेकिन उससे पहले मैं इस ड्रॉप को लूट लेता हूँ क्योंकि इसके भी तो पॉइंट होते हैं। तो यहाँ इस ड्रॉप से मुझे गन मिल जाती है क्रोजा, अब क्रोजा मिल गई थी तो चिकन, अब 2v2 की सिचुएशन थी तो हमें चिकन निकालना काफ़ी इजी हो गया था। तो उसके बाद मेरा टीममेट बोलता है कि गाड़ी पीछे ही रोक ले, तो मैं पीछे रोकता हूँ, और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ तो उन लोगों के पास जोन नहीं था तो उनको जोन में आना था। अब देखो हम बस उसको कैसे मारते और चिकन निकालते, तो इन्जॉय करो अब बस यहाँ की फाइट। अब यहाँ को तो मैं यहाँ पे तो मैंने एक को गाड़ी से उतार दिया, और फिलहाल यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक होने वाला है, हो भी गया। और देखो मैं कैसे चिकन निकालता हूँ,
मेरा पत्थर के पीछे है बिल्कुल। भाई सब क्या ही आगे पीछे हो रहा था। तो डेट्स इट, मतलब फाइनली चिकन मैं तो निकाल लिया। तो आई होप से वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर।